हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है डिफेक्ट्स इन टिम्बर, यानी कि किसी टिम्बर में कौन कौन से दोष होते हैं। आज के वीडियो में हम इन डिफेक्ट्स के टाइप जानेंगे और इन डिफेक्ट्स के पीछे क्या कारण हैं वो भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी टिम्बर के अंदर डिफेक्ट्स क्यों होता है। टिम्बर एक नेचुरल प्रोडक्ट है और किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट में कोई ना कोई डिफेक्ट्स होता ही है। टिम्बर के अंदर पांच टाइप से डिफेक्ट्स आ सकते हैं, जिसमें है नेचुरल फोर्सेस, फंगस, इंसेक्ट्स, डिफेक्टिव सीजनिंग और डिफेक्टिव कन्वर्जन। आज की वीडियो में हम नेचुरल फोर्सेस के कारण कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं वो जानेंगे और बाकी के डिफेक्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं नेचुरल फोर्सेस के कारण कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। डिफेक्ट्स को समझने से पहले हमको पेड़ की संरचना को समझना जरूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर डिफेक्ट्स पेड़ के हर पार्ट्स को या अलग पार्ट्स को अलग तरीके से प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेड़ के पार्ट समझ लेते हैं और फिर हम डिफेक्ट समझेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे, ये है आउटर बार्क यानी कि छाल, पेड़ का वो हिस्सा जो सबसे बाहर होता है और खुदरा होता है वो कहलाता है हमारा छाल। इसी आउटर बार्क के अंदर होती है हमारी इनर बार्क यानी कि आंतरिक छाल। इस इनर बार्क के बाद आता है हमारा कैम्बियम लेयर। इस कैम्बियम लेयर के बाद आती है हमारी सैपवुड, फिर आती है हार्डवुड, फिर आता है पित। पित किसी भी पेड़ का सबसे भीतरी भाग होता है और सबसे मजबूत भाग होता है। और आप देखेंगे ये जो सर्किल बने हुए हैं ये हमारे कहलाते हैं ग्रोथ रिंग या एनुअल रिंग। उसके बाद आप देखेंगे ये जो रेखाएं जा रही हैं इसको हम कहते हैं मडलरी रेज। ये मडलरी रेज इन एनुअल रिंग्स को आपस में बांध के रखती हैं, जिससे हमारा जो पेड़ है वो मजबूत बन जाता है। अब हम समझेंगे कि पेड़ के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला डिफेक्ट है बर्ल। इस डिफेक्ट को हम एक्सरसेंस भी कहते हैं। ये डिफेक्ट तब पैदा होता है जब हमारा पेड़ यंग एज के अंदर किसी इंजरी के अंदर आ जाता है या उस पर कोई शॉक लग जाता है, और इसके कारण से किसी भी पेड़ पर इस तरीके से एक उभार आ जाता है जिसको हम बर्ल कहते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा कैलस। जब किसी पेड़ पर कोई घाव लग जाता है तो पेड़ उस घाव को भरने की कोशिश करता है, तब इस तरीके से सॉफ्ट टिश्यू उस घाव के चारों ओर जमा हो जाते हैं और हमारा कैलस डिफेक्ट्स पैदा होता है। नेक्स्ट इफेक्ट है केमिकल स्टेन। अगर हमारा पेड़ या टिम्बर किसी केमिकल एजेंट के कांटेक्ट में आ जाता है तो इस तरीके से इस पर धब्बे पड़ जाते हैं जिसको हम केमिकल स्टेन कहते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है कोर्स ग्रेन। अगर हमारा पेड़ बहुत तेजी से बढ़ रहा है तब उसके एनुअल रिंग काफ़ी दूरी पर बनते हैं जिसके कारण से ये डिफेक्ट्स पैदा होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एनुअल रिंग की जो डिस्टेंस है काफ़ी दूर दूर है, इससे जो हमारा पेड़ है वो कमज़ोर हो जाता है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा डेडवुड। अगर हमारा पेड़ खड़े खड़े ही सूख गया है तब उसके अंदर डेडवुड नाम का डिफेक्ट जनरेट होता है। इस टाइप की लकड़ी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। इसके बाद है ड्रक्सीनेस। अगर आपने किसी पेड़ पर इस तरीके से वाइट स्पॉट्स देखे होंगे तो इसको हम ड्रक्सीनेस कहते हैं, और ये डिफेक्ट्स कभी कभी फंगस के कारण और कभी कभी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण भी होता है। नेक्स्ट है हमारा फॉक्सीनेस। अगर पेड़ के तने के ऊपर, ये आपका तना है और ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर लाल और पीला धब्बा बनता है तब उसको हम
फॉक्सीनेस कहते हैं, और हमारे पित्त के पास ब्राउन या रेड धब्बा बनता है तब भी हम उसको फॉक्सीनेस कहेंगे। ये डिफेक्ट तब जनरेट होता है जब हम टिम्बर को ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर पुअर वेंटिलेशन हो, या पेड़ ज़्यादा ओवर मैच्योर्ड हो गया हो, या फिर हमारा पेड़ ऐसी जगह पर उगा हो जहाँ की जो मिट्टी है वो मार्शी हो, यानी कि दलदली हो। नेक्स्ट इफेक्ट है नोट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं गांठ। अगर किसी भी पेड़ की शाखा को या डाली को गलत तरीके से काट दिया जाता है तब वहाँ पर पेड़ के जो फाइबर्स हैं आपस में ट्विस्ट होने लगते हैं, जिसके कारण यह नोट्स बनती हैं। ये नोट्स दो टाइप की होती हैं, जिसमें पहली है डेड नोट। ये नोट्स ढीली होकर पेड़ के तने में से या काटने के बाद टिम्बर में से गिर जाती है, और इस तरीके की एक कैविटी जनरेट होती है जिससे जो हमारी लकड़ी है वो वीक हो जाती है। सेकंड नोट है लाइव नोट। ये जो नोट्स है ये काफ़ी मजबूत होती है और लकड़ी के अंदर मजबूती से बनी रहती है, इससे लकड़ी पर ज़्यादा इफ़ेक्ट्स नहीं पड़ता है, और ये नोट्स आपने फर्नीचर में कई बार देखी भी होगी। नेक्स्ट इफेक्ट है रिंड गाल। रिंड का मतलब होता है बार्क यानी कि छाल, और गाल का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ। अगर किसी पेड़ की छाल के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ होती है तब रिंड गाल नाम का डिफेक्ट पैदा होता है। ये डिफेक्ट्स काफ़ी रेयरली देखा जाता है, और अगर ये डिफेक्ट्स किसी भी पेड़ में आता है तो उस भाग को किसी भी इंजीनियरिंग वर्क्स में यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि वो जो भाग है वो कमज़ोर होता है, और ये डिफेक्ट्स देखने में आपको इस तरीके से दिखाई देगा। नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा शेक। ये डिफेक्ट्स हमारे एनुअल रिंग के चारों ओर बनता है। शेक्स को अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो क्रैक या स्प्लिट यानी कि दरार, सिंपल भाषा में शेक्स को हम दरार कह सकते हैं। तो ये शेक्स हमारी हार्ट शेक, कप शेक, स्टार शेक, रिंग शेक और रेडियल शेक हो सकती हैं। हार्ट शेक कैसे बनती है? जो हमारा हार्डवुड है अगर वो श्रिंक हो जाए तब हार्ट शेक बनता है। और ये होता क्यों है? अगर हमारा पेड़ ओवर मैच्योर्ड हो जाए यानी कि काफ़ी ज़्यादा उम्र का हो जाए तब हमारा हार्ट शेक बनता है। हार्ट शेक की पहचान ये है कि ये जो है पित्त के पास तो चौड़ी होगी और परिधि के पास कम चौड़ी होगी। नेक्स्ट हमारा कप शेक। इस शेक की पहचान है कि ये जो शेक है एनुअल रिंग को एक दूसरे से अलग करता है। और ये बनता क्यों है? अगर हमारे लकड़ी के अंदर जो सैप है वो बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाए या जम जाए तब ये डिफेक्ट पैदा होता है। आप यहाँ पर देखेंगे ये एनुअल रिंग बने हैं, और यहाँ पर कप शेक के कारण एनुअल रिंग एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं तब हमारा कप शेक बनता है। इसके बाद है स्टार शेक। स्टार शेक की पहचान है कि इसके जो दरारों की चौड़ाई है वो परिधि पर ज़्यादा होगी और सेंटर में कम होगी। ये डिफेक्ट्स कब तब पैदा होता है जब या तो लकड़ी के ऊपर ज़्यादा गर्मी हो या फिर ज़्यादा ठंडा हो। नेक्स्ट हमारा रिंग शेक। जब कप शेक पूरे रिंग को ही अलग कर दे तब ये रिंग शेक बन जाता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये है कप शेक, इसने रिंग को यहाँ पर अलग करा है और यहाँ पर अलग करा है, यानी कि पूरे रिंग के किसी पार्ट्स को अलग करा है। लेकिन अगर यही कप शेक पूरे ही रिंग को अलग कर दे इस तरीके से तब हम इसको रिंग शेक कहेंगे। इसके बाद हमारा रेडियल शेक। रेडियल शेक देखने में स्टार शेक के तरीके से ही होता है, लेकिन ये फाइन और इररेगुलर टाइप के होती हैं। इसके बाद है ट्विस्टेड फाइबर। अगर हमारा पेड़
अपनी यंग अवस्था में होता है और आंधी या तूफान के ज़्यादा संपर्क में आ जाता है, तब इसके जो फाइबर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में ट्विस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से ये डिफेक्ट्स जनरेट होता है। इसके बाद है अपसेट। अगर हमारा पेड़ किसी कारणवश गिर जाता है ज़मीन पर, तो उसके जो फाइबर्स हैं वो क्रश हो जाते हैं कंप्रेशन फोर्स के कारण, या कंप्रेस हो जाते हैं, जिसके कारण से अपसेट डिफेक्ट्स जनरेट होता है। इसके बाद है वाटर स्टेन। अगर हमारी लकड़ी किसी वाटर के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आ जाती है, तो इस तरीके से धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम वाटर स्टेन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा विंड क्रैक। अगर हमारी लकड़ी ज़्यादा ही एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण श्रिंक हो जाती है, तो इस तरीके से छोटे छोटे क्रैक इसकी परिधि पर दिखाई देने लगते हैं, जो कि संख्या में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसको विंड क्रैक कहते हैं। आई होप आपको ये डिफेक्ट आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।